अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश दुनिया में तहलका मचा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में पता चले इस वायरस को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण बना डेल्टा वायरस से कोरोना का यह नया वेरिएंट ज्यादा म्यूटेंट करने वाला और शक्तिशाली है। यह ओमिक्रॉन वायरस क्या है, इसका नाम ओमिक्रॉन ही क्यों पड़ा, इसके लक्षण क्या क्या है, इससे बचाव कैसे किया जा सके और भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इससे बचने के लिए, आइए इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं इस वीडियो पर। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले नए वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन ही क्यों पड़ा। SARS-CoV-2 में वेरिएंट का नाम ग्रीक अल्फाबेट के नाम पर रखा गया, लेकिन ग्रीक अल्फाबेट में ओमिक्रॉन से पहले दो अक्षर न्यू और जी आते हैं। इन दोनों को छोड़ने के पीछे दो कारण बताए गए। न्यू का उच्चारण न्यू से मिलता जुलता था, जबकि जी अक्षर चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग के नाम से मिल रहा था, जिस पर चीन आपत्ति जता सकता था, इसलिए न्यू और जी को स्किप करते हुए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया। WHO ने नए वेरिएंट को लेकर क्या कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है और इसे तकनीकी शब्दावली में वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला वेरिएंट बताया है। WHO ने चेतावनी दी है, इस म्यूटेशन के चलते संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, यह काफी तेजी से और बड़ी संख्या में म्यूटेंट होने वाला वेरिएंट है। वायरस का समय के साथ म्यूटेंट होना सामान्य बात है, लेकिन यह तब चिंताजनक हो जाता है जब वह तेजी से फैलने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे और वैक्सीन की प्रभावशीलता से बाहर हो जाए। कोविड ओमिक्रॉन संस्करण WHO ने चेतावनी दी है कि नया COVID-19 ओमिक्रॉन संस्करण विश्व स्तर पर बहुत अधिक जोखिम पैदा करता है और यदि ओमिक्रॉन द्वारा संचालित COVID-19 का एक और बड़ा लहर आता है तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नोट में यह भी कहा गया है कि हालांकि आज तक कोविड ओमिक्रॉन संस्करण से जुड़ी किसी भी मौत की सूचना नहीं मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 29 नवंबर 2021 को चेतावनी दी थी कि नया COVID-19 ओमिक्रॉन संस्करण वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक जोखिम पैदा करता है और इस बात पर जोर दिया गया कि ये नया तनाव कितना संक्रामक और खतरनाक है इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट का नाम B.1.1.529 रखा है। बीते 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहली बार यह वेरिएंट ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ और अब यह तेजी से फैल रहा है। बता दें कि महज 20 दिनों में अफ्रीका के बाद यूरोप और एशिया समेत यह नया वेरिएंट कई महाद्वीप तक पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स इस नए वेरिएंट को डेल्टा समेत कोरोना के सभी वेरिएंट से कई गुना ज्यादा संक्रमण क्षमता वाला बता रहे हैं, इसलिए लोगों को अभी पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक क्वेजी के अनुसार इसके लक्षण में जरूरत से ज्यादा थकान, मांसपेशियों में हल्का दर्द, गले में खराश और सूखी खांसी शामिल है, जबकि कुछ मामलों में ही हल्का तेज बुखार दिखाई दे सकता है। उन्होंने खुलासा किया है कि मरीज अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत के बिना पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम है। बता दें कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में अपरिचित लक्षणों वाले 30 से ज्यादा COVID-19 रोगियों का इलाज किया है। उन्होंने बताया है कि मरीज के लक्षण डेल्टा वेरिएंट से काफी अलग है। स्टेप्स टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका और दो अन्य देशों बोत्सवाना और हांगकांग में पाए गए COVID-19 के नए संस्करण के खिलाफ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को कड़ी जांच करने और हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से आने या जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का परीक्षण करने के लिए भी लिखा है। यूनाइटेड किंगडम ने भी 26 नवंबर 2021 को नाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, लेसोथो से उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसने यह भी घोषणा की है कि उल्लेखित स्थलों से लौटने वाले ब्रिटिश यात्रियों को संगरोध करना होगा। ओमिक्रॉन वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है। विशेषज्ञ अब भी COVID-19 से बचने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि नए स्ट्रेन से बचने के लिए सावधानी अब भी
जरूरी है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने रहें, भीड़ भाड़ वाली सामूहिक जगहों पर अच्छा वेंटिलेशन हो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा नियमित रूप से हाथों और सतहों को धोने की भी जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर दुनिया भर में फैल गया है। विशेषज्ञ टीकाकरण होने के बाद भी इसके लक्षण को पहचानने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक परिवर्तन मिले हैं, जो इसे प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की क्षमता विकसित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि यह टीकों को चकमा देने में सक्षम हो सकता है। अगर यह वेरिएंट इम्यूनिटी एस्केप और वैक्सीनेशन से भी एस्केप करता है, यानी इन दोनों का इस पर असर नहीं पड़ता है, तो इससे निपटने का तरीका सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है। इसमें मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, पब्लिक गैदरिंग को बंद करना या सीमित करना जैसे अहम एहतियात हैं। तो ये था पूरा डिटेल में ओमिक्रॉन वायरस के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप ये वीडियो आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। दिस इज विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल, थैंक यू।